नमस्कार। होप, होप यानी आशा, उम्मीद, ये वो जज्बा है जो इंसान को जीने और आगे बढ़ने का मकसद देता है। और कुछ ही दिन में पेश होने वाला है मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट, और इसलिए आम आदमी की होप, उम्मीद बढ़ गई है कि उसे इस बजट में काफी राहत मिल सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बजट इसलिए भी खास है क्योंकि 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले मिडिल क्लास को लुभाने के लिए सरकार कई ऐसे प्रावधान कर सकती है जिसके लिए आम जनता उम्मीदें बांधे बैठी है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी, इनकम टैक्स स्लैब में इजाफा, ट्रांसपोर्ट के साधनों का किराया न बढ़ाया जाए, होम लोन की दर घटे और छूट की राशि बढ़े, ATC के तहत इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़े, फिक्स डिपॉजिट और PF PPF पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। सरकार के राजकोष में इस साल टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ है, इसीलिए सरकार उससे कुछ फायदे तो आम आदमी को दे ही सकती है। एक्सपर्ट्स की यही उम्मीद है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ा सकती है। अभी तक ये सीमा 50,000 है, जिसे बढ़ाकर 1,00,000 तक किया जा सकता है। इसके साथ ही सभी कर्मचारी, जो चाहे सरकारी नौकरी करते हों या हमारी तरह प्राइवेट, यही चाहते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी हो, जिससे कोविड या बढ़ती महंगाई और मंदी की आशंका से आराम से उबरा जा सके। मौजूदा समय में 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, जबकि 2.5 से 5,00,000 तक 5% टैक्स लगता है। एक्सपर्ट्स को आशा है कि टैक्स स्लैब 2.5 लाख से बढ़ाकर 5,00,000 किया जा सकता है, यानी 5,00,000 तक की इनकम वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पीएम मोदी के कार्यकाल में रेलवे बजट भी आम बजट के साथ प्रस्तुत होता है, और लोगों की होप यही है कि रेल के साथ रोड ट्रांसपोर्ट के किराए भी न बढ़ाए जाएं, क्योंकि कोविड के बाद पहले से ही इसमें काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। यहां तक कि सीनियर सिटीजन्स को भी रेल यात्रा में अब कोई सब्सिडी मिलनी बंद हो चुकी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सब्सिडी बढ़ाकर लोगों को ग्रीन एनर्जी की तरफ प्रोत्साहित किया जा सकता है। अच्छा, घरों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, ऐसे में मिडिल क्लास के घर लेने का सपना तभी पूरा हो सकता है जब होम लोन की दरें घटाई जाएं। वैसे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टैक्स में होम लोन के इंटरेस्ट पर जो छूट अभी 2,00,000 तक है, वो जरूर बढ़ सकती है, और इसे 1,00,000 और बढ़ाकर 3,00,000 तक किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो ये भी काफी राहत वाली बात होगी। आपसे ऑफिस में इन्वेस्टमेंट के प्रूफ तो मांगे जाते होंगे, जिसका फायदा आपको टैक्स छूट में ATC के अंतर्गत 1.5 लाख तक का मिलता है। जानकार मानते हैं कि ATC में भी 1,00,000 रुपए बढ़ाकर छूट की सीमा 2.5 लाख तक हो सकती है। आम आदमी अपनी तरफ से 2-2 पाई जोड़कर किसी तरह कुछ जमा पूंजी बनाना चाहता है, और जब उसे बैंक में डिपॉजिट करता है तो चाहता है कि उस पर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। कुछ सरकारी योजनाओं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के बाद उम्मीद है कि बजट में इसकी घोषणा होगी कि फिक्स डिपॉजिट वगैरह पर लोगों को ज्यादा रेट मिलेगा। साथ ही PF और PPF पर भी इंटरेस्ट रेट में इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है। सोचिए, अगर मिडिल क्लास की ये आशाएं पूरी हो जाएं तो निश्चित ही वो लोग यही गाना गाते हुए नजर आएंगे कि आशाएं खेलें दिल की, उम्मीदें हंसें, कुछ भी नहीं मुश्किल, आशाएं आशाएं। मतलब सोचिए, आपकी आशा क्या है इस वीडियो से, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप बजट से क्या उम्मीद करते हैं वो भी हमें बताइए। उम्मीद है कि आपकी होप ज़रूर पूरी हो। धन्यवाद।